everyone, hope you're doing well. This is another tarot reading for you, and this reading, as the title suggests, this reading is about your love relationship in October, November, December. Basically, rest of 2021, जो भी बचा है, 3 महीने बचे हैं, इसमें आपके लव रिलेशनशिप कैसे रहते हैं. इट्स फॉर सिंगल, इट्स फॉर द पीपल हु आर इन रिलेशनशिप, एंड अगर आप जो रिलेशनशिप के लिए नहीं भी ढूंढ रहे हो, स्टिल आपके जो फैमिली लव रिलेशनशिप हैं, बिकॉज उनसे भी तो आप प्यार करते हो ना, तो जो भी आपके लव रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ आपकी सिचुएशन या आपके एक जो बोलचाल है, जो रिलेशन है, वो कैसा रहता है, उसके बारे में ये रीडिंग है. एंड यहाँ पर जो है आपके लिए 3 पाइल्स होंगी और आपने इन से चूज करना होगा. जो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, इट इज गोना बी द पाइल नंबर 1. जो होप का कार्ड है, इट इज गोना बी पाइल नंबर 2. जो प्रेशियस टाइम का कार्ड है, इट इज गोना बी पाइल नंबर 3. सो आपने इन कार्ड से अपनी जो पाइल है वो चूज करनी है, इंटुइटिवली चूज करनी है. जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, अगर 2 पाइल अट्रैक्ट करती है, देन यू कैन इवन चूज 2 पाइल्स. 1 पाइल अट्रैक्ट यू, ग्रेट, अमेजिंग. 2 भी चलेगी अगर तीनों ही अट्रैक्ट करिए, मीनिंग तीनों में जो है आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा. और यहाँ पर जो है ये आपका जो स्क्रीनशॉट है मैं लगा दूंगी. उससे पहले मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं. सो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, वहां जाके आप अपने लिए रीडिंग भी बुक करा सकते हैं. मैं एस्ट्रो टैरो रीडिंग करती हूँ, जिसके अंदर नक्षत्र, जो आपके बर्थ हॉरोस्कोप के नक्षत्र हैं, वो इंक्लूड होंगे. उसके बारे में, आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगी उन नक्षत्र से, बिकॉज आपका चार्ट है ना, आपका जो D1 मेन बर्थ हॉरोस्कोप है उसके नक्षत्र, प्लस ऑफ कोर्स टैरो से गाइडेंस, टैरो से इंफॉर्मेशन. एंड आई आल्सो डू द नक्षत्र रीडिंग, नक्षत्र कुंडली रीडिंग, विच कैन बी रिलेटेड टू योर करियर, मैरिज. एंड आई आल्सो डू हॉरोस्कोप मैचिंग, जिसके अंदर द तिथिस, द गुण्स, यू कैन सी द मून प्लेसमेंट एंड द अदर थिंग्स लाइक द 9th हाउस ऑफ धर्मा. ये चीज़ें कई सारी होती है हॉरोस्कोप मैचिंग में. इन सब चीज़ों को जो है हम देखते हैं हॉरोस्कोप मैचिंग में, और फिर जो है आपके लिए एक एनालिसिस निकालते हैं. एंड देन आई ऑल्सो हैव दिस यूनिक रीडिंग ऑन माई वेबसाइट कॉल्ड नवामशा, D9 नवामशा यूनिक रीडिंग, विच इज़ रिलेटेड टू योर सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ और लाइफ आफ्टर मैरिज. And it's related to your spiritual progress. It is related to even career, how things are going to be in your basically second half of your life. So these are the services which I provide, and you can check them out. The link is in the description below. And yes, let's just get started. मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी लगा देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. All right. हेलो पाइल नंबर 1, सो यू चोज द मैनिफेस्टेशन का कार्ड एंड इट इज सेइंग बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ. नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर, मैनिफेस्टेशन स्टेप 1. सो द थिंग इज एट टाइम्स वी आरसेल्व्स आर सो कंफ्यूज अबाउट व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ. व्हाट डू वी रियली वांट? एंड व्हेन यू गेट द आंसर, राइट इट डाउन. Write it down, because then it is going to be quite easy for you to really get that in reality. Power hoti hai writing mein. So do that. All right. So let's just get started. Aapke liye yahan par kya information aa rahi hai for your love relationship, jo ye aapka ek tarah se October, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं, इसके अंदर कोई आपके लिए लव रिलेशनशिप आता है तो वो पर्सन कैसे हैं और उस पर्सन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, पाइल नंबर 1 के पर्सन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन. सो वी हैव 8 ऑफ कप्स हियर, वी आल्सो हैव 6 ऑफ
wands here. All right. तो यहाँ पर जो भी ये person है, जो भी ये person है, ये first of all काफी, एक मिनट मैं इसको यहाँ रख देती हूँ. Yes. तो ये जो eight of cups और six of wands है, it is showing कि जो भी ये person है आपको काफी ज़्यादा motivate करेंगे in your life. Will be a person जो ऐसे नहीं होंगे कि why are you doing this, why are you doing that, इसकी क्या ज़रूरत थी. नहीं, ये हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे लाइफ में, आपके करियर को लेकर, आपके जो भी ड्रीम्स और डिजायर्स और विशेस है उसको लेकर काफी ज्यादा आपको मोटिवेट करेंगे. एक काफी पॉजिटिव पर्सनालिटी यहाँ पर नजर आ रहे हैं. दिस पर्सन इज पैशनेट, हैज दैट फायर. एट द सेम टाइम कप्स रिप्रेजेंट्स इमोशंस, तो इमोशनली भी आपको काफी ज्यादा फुलफिल करेंगे ही करेंगे. सो एट ऑफ कप्स हियर इज सेइंग the need to move on, seeking more from life than what you are experiencing, a spiritual quest, choosing to make big life changes, a change in priorities, leaving home. Kuch log aap mein se jo ho, I really feel that this pile is quite young at heart, or can be young, matlab age mein bhi kam ho sakte hai, but this pile is quite young at heart, which definitely says ki you can leave your home, basically you can leave your comfort zone. Some of you can even relocate, that can happen here. Some of you can just, you know, from you can say mind से जो है या एक जो एक comfort zone हमने एक बनाया होता है कि ये हमारी boundaries है, ये हमारा comfort zone है, हमने इससे आगे नहीं निकलना, आप उसको तोड़ रहे हो, barrier तोड़ रहे हो, एक तरह से आप अपने comfort zone से बाहर निकल रहे हो. और जब आप अपने comfort zone से बाहर निकलते हो, somehow you become victorious. यहाँ विक्ट्री कार्ड जो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, इट इज सेइंग विक्ट्री वाइज चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकॉग्निशन एंड सक्सेस, प्रमोशंस, अवार्ड्स और स्कॉलरशिप. सो बिकॉज दिस कार्ड केम फॉर लव रिलेशनशिप, तो जो भी ये पर्सन है, ये जो भी पर्सन है, समहाउ आपके कंफर्ट जोन से बाहर है. समहाउ आपकी, आप ऐसा भी कह सकते हो ये पर्सन मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ये पर्सन आपसे काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाले हैं. This person, I mean this situation is going to be opposite attract wali situation. You're going to be quite opposite. You can be an introverted personality or who does not really like to share things with people. Whereas this person is really an open book and is a person jo bahut zyada warm hearted hai. मतलब इनसे जब आप बात करते हो, कुछ लोग होते हैं ना कि आप अगर उनसे कभी मिले भी ना हो अपनी लाइफ में, स्टिल दे ट्रीट यू लाइक ओ यू केम, योर ड्रेस इज लुकिंग सो नाइस. एंड ये मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमें बहुत कंफर्टेबल फील कराती है, बट असल में हम उस पर्सन से कभी मिले नहीं, बट स्टिल दैट पर्सन मेक्स अस फील दैट वी नो देम और दे नो अस फॉर 10-20 ईयर्स. तो कहीं ना कहीं एक आपको इस पर्सन से पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील हो सकता है. इन योर सेवेंथ हाउस यू कैन हैव केतु, और in you can even have Rahu in the 7th house. I mean these planets, these I should say grahas, Rahu and Ketu, especially Ketu represents past life, and you will feel that past life connection with your spouse. And your Dharakarka planet holding the lowest degree in your chart or the 7th house lord can be in the nakshatras of Ketu. Or nakshatra kaun se Ketu ke? Ashwini, Magha and Mula. इनमें से ये जो नक्षत्र है आश्विनी, माघा और मूला, इनमें से किसी एक नक्षत्र में आपका धाराकार का या जुपिटर या वीनस प्रेजेंट हो सकता है. वीनस रिप्रेजेंट्स वाइफ इन अ मेल चार्ट, जुपिटर रिप्रेजेंट्स हस्बैंड इन अ फीमेल चार्ट, एंड धाराकार का इज द स्पाउस सिग्निफिकेटर, जो कुछ भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, सन भी हो सकता है. समहाउ केतु रूल नक्षत्र में आपका धाराकार का हो सकता है, इसके हाई चांसेस हैं. And I really feel जो भी ये person है, इनके chart में कृतिका नक्षत्र, sun ruled नक्षत्रास काफी ज्यादा dominating हो सकते हैं. जो भी ये person है, ये एक तरह से can be a little cutthroat as well, because कृतिका represents being critical, being analytical, और cut करके आगे निकलना. नहीं 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 नहीं, this is not how we do things, this is how we do things. So they cut you in conversation. Because they want to keep their point, ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है. But जो भी ये person है, still boosts your ego quite a lot. जब ये person आपकी life में आता है, somehow this person really brightens up your life. I mean sun का first and foremost काम क्या होता है? एक तो burn करना, burn to purify, and second is to give light. Born to purify इसलिए because sun is a सात्विक ग्रह, it rules the Leo sign which is a सात्विक sign, so sun will always burn to purify. And Sagittarius is again a fiery sign, which is that, you know, sattvic fire. जो भी ये person है,
ये अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं, अगर ये कुछ कहते भी है जो आपको बात शायद अच्छी ना लगे, अटपटी लगे, स्टिल ये पर्सन आपका जो भला ही चाहेंगे, इनकी इंटेंशंस बुरी नहीं होंगी, इनका वे थोड़ा सा कट थ्रोट हो सकता है, थोड़ा कटिंग वाला हो सकता है, बट इनकी इंटेंशन वो नहीं है. और ये आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आता है कि यू शुड डू दिस. इफ यू डू थिंग्स इन दिस वे, सक्सेस जल्दी मिलेगी या सक्सेस ऐसे मिलेगी. सो ही इवन बिकम्स दैट अ गाइड फॉर यू. एंड लेट मी जस्ट पुल सम मॉर कार्ड्स हियर. इस पर्सन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन. पाइल नंबर वन के पर्सन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन. All right, we have the Empress card here. We also have the Wheel card here. So of course, your Dharakarka planet, the spouse significator planet, planet holding the lowest degree can be Moon as well. And definitely, जो भी ये person है, आपको nourishment provide करते हैं. जैसे मैंने शुरू में भी reading के कहा, there is that cup's energy here, and this person will always provide you that emotional nourishment and will always emotionally satisfy you. Also is a person जो अपनी intuition इस relationship में बहुत ज़्यादा use करेंगे. Mind इतना ज़्यादा यहाँ पर use नहीं होना चाहिए जितनी intuition और जितना love, emotion यहाँ पर इस relationship में होगा. मतलब of course he will take decision from his brain, but more so this relationship is based on emotions. It's not really based on logic कि तुम मेरा फ़ायदा करोगे या तुम ही हो जो मेरा फ़ायदा कर सकते हो, नुकसान नहीं करोगे. It's not about pros and cons. This relationship is highly based on emotions. Even though Sun is a practical planet, but we also have Moon energy or Water energy, which is that feminine energy, which is the energy to nourish. So this person really provides you that nourishment. And we also have the Wheel card here, which is about कि आपकी life में एक new cycle शुरू हो रहा है, एक पुराना खत्म हो रहा है. Plus the Wheel is also about that आपकी manifestation जो है यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है. In fact, you chose the manifestation card. You chose this manifestation card, which is about कि अच्छे से manifest करो. कई बार manifestation के technique ही गलत होते हैं, but यहाँ पर the wheel is definitely showing आपकी manifestation पूरी हो रही है. आप जिस person के साथ रहना चाहते थे, जिस type के person के साथ रहना चाहते थे, वो person आपकी life में आ रहे हैं. और जो भी ये person है, आपको कुछ offer करेंगे. And especially I feel that this person offers you lot of love, lot of nourishment and support, which we all need. तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है. Let me just pull some more cards for you about this person. जो भी pile number one के person है, उनके बारे में कुछ और information. All right. So we have the Empress here, and we have the card Page of Pentacles. तो यहाँ पर जो है, again there is this Empress energy. एंड यहाँ पर भी ये भी एम्प्रेस कार्ड ही है. तो लेट मी फोकस. तो यहाँ पर जो एम्प्रेस कार्ड है, यहाँ पर भी दूसरे डेक से भी एम्प्रेस निकल के आया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है अ लॉट ऑफ नरिशमेंट, अ लॉट ऑफ मदरली केयर. आई रियली फील ये आपका जो सेवेंथ हाउस लॉर्ड है, इट इज मून, और द धारकार्का इज मून. And moon is about nourishment. It's also Chandra, moon, is also sexual and sensual in nature. So don't just think that this person is going to be really very nourishing. This person is going to be, of course, they are going to be nourishing. They are always going to be emotionally present for you. He's not going to be the person who will be busy at his work and saying, ki tum sambhal lo. No. This person, he or she will be the people who are always going to be emotionally ready for you and always going to be emotionally there for you. This person will never criticize you ki kabhi tum khush ho, kabhi tum udaas ho. Will never criticize on your moon swing. Will never criticize you on the basis ki aap kaisa feel kar rahe ho. Will never do that. And this person is always going to understand you no matter what. Especially, jitna aapki mother aapko understand karti hai, us jitna ya fir usse thoda sa kam. Because mother jitna to koi aapko nahi understand karta. But at times moon is in such a condition jahan par mother also becomes an enemy for you, of course. But again, mother jaisi yahan par nourishment aapko aapke spouse yahan provide karte hue nazar aa rahe hai. But as of told you, moon is chandra. Chandra had 27 wives. He was highly sexual and sensual. He even seduced the wife of Jupiter, Tara. So there is that sensual nature as well. This person will emotionally nourish you, will be there for you.
ये चीज है यहाँ पर. एट द सेम टाइम विल बी वेरी सेक्सुअल एंड सेंसुअल एंड दिस पर्सन लव्स लग्जरीज. दिस पर्सन इज अ पर्सन हु विल ऑलवेज लाइक टू बी इन द लग्जरीज. लग्जरीज बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट इन हिज लाइफ. लग्जरीज लाइक कि अगर लग्जरी नहीं हुई तो ये काफी अजीब सा फील करते हैं, डिसहार्टन फील करते हैं. दिस पर्सन लाइक्स टू स्टे इन लग्जरीज, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है, इट इज शोइंग कि ये पर्सन आपको एक तरह से ये चाहते हैं कि आप न्यू पाथ भी अपनी लाइफ में फॉलो करो, एक ऐसा पाथ भी अपनी लाइफ में फॉलो करो जहां पर आपको थोड़ी अनसर्टेनिटी है. दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू टेक द पाथ ऑफ एडवेंचर. दिस पर्सन रियली डू नॉट वॉन्ट यू टू जस्ट डू और टू लिव an ordinary life. This person wants you to live an extraordinary life, wants you to follow your passion as well. This person is a person who will always motivate you, always. Like even if you think the plan is kind of stupid, he will say nahi nahi, if you are doing it, you are going to do it correctly. And of course fir uske baad एक रिवर्स साइकोलॉजी बड़ी काम करती है. अगर कोई हमें कह दे कि ये चीज नहीं करनी तो हम बड़ा मन करता है कि हम वही चीज करें, राइट. और अगर कोई पर्सन कह दे कि ये चीज जो है ये करनी है तो हम कहते हैं लेट मी थिंक, देन यू बिकम दैट सेंसिबल पर्सन, विल हैव अ सेंसिबल अप्रोच. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको जो है मैच्योर भी करते हैं, बिकॉज ये पर्सन काफी मर्क्यूरियस भी है. स्पेशली मून का बच्चा, मून का चाइल्ड इज मर्क्यूरी, बुद्धा. And Mercury is what? It represents children, it represents adventurous, being adventurous, and it represents even travel. So here we see that this person will love traveling, will love to travel with you, will be a person who will always say yes to adventures, will always say no to orthodoxy. You can even marry a person who is not from your caste, not from your community. That can happen here. And this person is a person who hates dogmatic thinking of other people. He is a person who likes to make his own path, likes to make her own path. और एक ऐसे person है जो अपने dreams और wishes को fulfill करना चाहता है. और आपकी भी जो dreams और wishes है उसको ये person कहता है कि आप भी fulfill करो. This person at times इनका communication can be a bit dreamy. लगे ही ना कि मतलब इनके जो plans है ऐसा हो सकता है you feel that this is not even practical. बट जब भी ये पर्सन उस प्लान को एक प्रैक्टिकलिटी में करते हैं, एक रियल लाइफ में उस प्लान को जो है शुरू करते हैं, इट्स इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे. दैट्स व्हाई दिस पर्सन गेट विक्ट्रीज, क्योंकि ये अपना क्रिएटिव माइंड यूज करते हैं, क्रिएटिव टैलेंट यूज करते हैं और प्रैक्टिकली उसको जो है रियल लाइफ में करते हैं. सो दैट कैन बी सीन. लेट मी जस्ट पुल सम कार्ड्स फॉर यू फॉर you know some extra information about this person, and then we'll move on with your family, love relationship with your family, cousins or siblings. But usse pehle bas ek deck se aur yahan par aapke person ke bare mein information le lete hain. All right, so we have the privileged lady, we also have the card wealthy man. Victory is he's quite a victorious person. He is a victorious person even though काफी क्रिएटिव पर्सन है, अपने ड्रीम्स फॉलो करते हैं. एट द सेम टाइम काफी वेल्दी भी है, क्योंकि इनको पता है कि मैं इस प्लान को इस तरह से करूंगा, मतलब इस तरह से रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में करूंगा तो ये सक्सेसफुल होगा. सो दिस पर्सन नोज दैट थिंग. एंड यहाँ पर प्रिविलेज लेडी एक और चीज भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन काफी वेल ऑफ फैमिली से है. इस पर्सन ने इतनी भी ज्यादा हार्डशिप्स जो है नहीं देखी अपनी लाइफ में, एक मस्ती मजाक और एक लाइट माहौल देखा है इस पर्सन ने. तो काफी ज्यादा अपने लाइफ में प्रिविलेज्ड पर्सन है और इन ये सिंगल चाइल्ड भी हो सकते हैं. एंड दिस पर्सन इज क्वाइट प्रिविलेज्ड, हैज नॉट रियली सीन द डिफिकल्टीज इन लाइफ दैट मच. एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड ऑफकोर्स वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं खुद भी ये पर्सन काफी वेल्दी है. जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी ये पर्सन इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैन बी अ स्टॉक ब्रोकर. एंड ये जो भी पर्सन है अपने हार्ट से रूल काफी ज्यादा करते हैं, कैन बी अ लिटिल प्रैक्टिकल बट मोर सो ही रूल्स और शी रूल्स विद देयर हार्ट, दैट कैन बी सीन हियर. तो आपके जो फैमिली है उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में? फैमिली मेंबर्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहता है? पाइल नंबर वन का रिलेशनशिप कैसा रहता है? ऑलराइट Alright, so we have 8 of swords here and we have the
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफी ज्यादा है. ऐसा हो सकता है जो आप चाहते हो वैसा आपकी फैमिली नहीं चाहती है. कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से चेंज ऑफ ओपिनियंस है, या फिर जो जैसा आप चाहते हो वैसा फैमिली नहीं चाहती, और जैसा फैमिली चाहती है वैसा आप नहीं चाहते हो. डिफरेंस इन ओपिनियन यहाँ पर नजर आ रहा है फॉर यू पाइल नंबर वन. कहीं ना कहीं फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है थोड़ा स्टक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर हो जाती है. इस चीज पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती तो होती किधर है, ताकि आप वहां पर उस मिसअंडरस्टैंडिंग को होने से रोक सको. और बहुत ईजी है कहना, मुश्किल है करना. पर यहाँ पर स्वॉर्ड्स इज अबाउट कटिंग एंड पियर्सिंग, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ वेरी फियर्स्ड एनर्जी जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अपना पॉइंट बड़ा ही स्ट्रिक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्ड होके रखते हो. समटाइम बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड मे नॉट बी द बेस्ट. तभी तो दुनिया में इतना ज्यादा जो है ये लगा लो कि डिप्लोमेसी है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जो लोग चलना चाहते हैं वो चल नहीं पाते हैं. लोगों को शायद डिप्लोमेसी ही पसंद आती है. कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा टैक्टफुली आपको अपने पेरेंट्स से डील करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज सिचुएशंस कैन गेट वर्स्ट. और यहाँ पर जो भी सिचुएशन है आपने अपना पॉइंट काफी पोलाइटली रखना है. चाहे कुछ हो जाए आपने अपना पॉइंट बहुत पोलाइट मैनर में रखना है. आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने काफी पेशेंस से डील करना है. अगर आपको लगता है कि आपकी नहीं सुनी जा रही है, धीरे धीरे मतलब 50% 60% उनकी मानो, 40-50% अपनी करो. अगर आप ये सोचो कि मेरी ही मेरी सुने, ऐसा नहीं हो सकता है. ऐसे रिलेशनशिप वर्क नहीं करते हैं. आपको कुछ उनकी सुननी पड़ेगी, कुछ अपनी करनी है. All right. तो यहाँ पर जो ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड स्पेशली इज अ वेरी ब्रेव एनर्जी. ऑफकोर्स ब्रेव होना अच्छी बात है, बट रिश्तों में झुकना जरूरी है. स्पेशली अगर कोई पर्सन आपसे बड़ा, उससे रिस्पेक्ट रिगार्ड से बात करनी होती है. मॉरल, बेसिक मॉरल वैल्यू है जो कि हम कई बार लैक करते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपने पैशन में इतना ज्यादा बिजी होते हैं या हमारा माइंड कहीं और होता है और हम बोल कुछ देते हैं. एंड स्वॉर्ड्स इज डेफिनेटली द एनर्जी ऑफ एयर. कहते भी है हवा में बात करना, राइट? और हमारी हवा में, एयर में साउंड वेव्स ट्रैवल करती है. तो अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की यहाँ जरूरत है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा रूड तो नहीं हो जाता है. माना आप विक्टोरियस हो गए अपनी लाइफ में, यहाँ पर विक्ट्री कार्ड है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप अपने बड़ों की कदर करनी छोड़ जाओ. नो, यू ऑलवेज हैव टू रिस्पेक्ट एंड गिव देम रिगार्ड. और यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान रखो. रूड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा नहीं चाहिए. प्यार से जो है कोई बात हो सकती है तो प्यार से करनी है. और अगर नहीं भी लगता कि प्यार से मानेंगे, स्टिल यू हैव टू डील विद लव. इफ यू गिव लव यू विल रिसीव लव. इट्स द लॉ ऑफ यूनिवर्स. वट एवर यू गिव इट कम्स बैक टू यू. ऑल राइट पाइल नंबर वन. So this was the reading for you, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this hope ka card, and it is saying hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. So always be hopeful. कोई भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आ जाए, हमने अपनी होप नहीं खोनी है. क्योंकि अगर होप खो दी, पॉजिटिविटी खो दी, ऑप्टिमिज्म खो दिया, फिर तो सब कुछ खो दिया. फिर कुछ नहीं हो सकता. हमने अपनी होप जरूर रखनी है. यहाँ पर आपके लिए क्या यहाँ इंफॉर्मेशन आ रही है फॉर योर लव रिलेशनशिप फॉर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. क्या यहाँ पर टैरो की तरफ से मैसेज है फॉर यू नो अ रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आता है कि नहीं आता, आता है तो कैसे पर्सन है वो, उनकी नेचर कैसी है. ऑल राइट, वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स. रिलेशनशिप की बात हो रही है, ब्रेकअप पहले ही हो गया. सो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली शोज अ ब्रेकअप, शोज हार्ट ब्रेक. एंड वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स. ऑल राइट, सो यहाँ पर या तो आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर जिस पर्सन से आप कॉन्टैक्ट में आने वाले हो उस पर्सन का ब्रेकअप हुआ है. Somehow somebody really got their heart pierced. Especially if you have Mars and Venus conjunction in your chart, in your main birth horoscope, in the Dwaradamsa, in the Navamsha chart, or Mars and Venus are aspecting each other, or Mars is simply aspecting Venus, we know that the person is destined to go through at least one breakup in their lifetime. Because Mars represents sharp object, jaise sword sharp object hai. Venus is the karka of relationship and marriage.
So at least once in the lifetime, a person goes through a heartbreak with such Mars and Venus condition. And here, Three of Swords is also, I mean, it is also showing the same thing, the heartbreak. And here it is saying, great sadness that will heal with time, let go of the past, personal growth that comes from challenges, healing misunderstandings, being there for those in need. तो यहाँ पर जो है ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन को तब मिलो जब ये पर्सन किसी ब्रेकअप से निकले हो या फिर ये आप भी ब्रेकअप से निकल सकते हो. जस्ट आफ्टर द ब्रेकअप यू आर गोना मीट दिस पर्सन. 3 weeks जब आपका ब्रेकअप हो उसके 3 हफ्ते बाद. और ये जो भी पर्सन है अगर ये किसी ब्रेकअप से निकले तो 3 हफ्ते बाद ये आपसे मिलते हैं, इसके हाई चांसेस है. नंबर 3 बिकम्स इंपॉर्टेंट. यू कैन हैव योर धाराकार का जुपिटर और वीनस इन द नक्षत्र ऑफ श्रावण विच इज रिलेटेड टू द नंबर 3. एंड हियर वी सी कि यहाँ पर देर इज दैट ब्रेकअप फॉर श्योर. देर इज दैट ब्रेकअप. ये बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है ब्रेकअप की. यहाँ पर टू ऑफ पेनिकल्स हियर इज शोइंग वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल जॉब्स. The need to bring balance and fun into your life, juggling multiple priorities, balancing the budget. कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकअप हुआ था इस पर्सन का इस वजह से हुआ था बिकॉज दिस पर्सन ऑलवेज रिमेन्ड क्वाइट बिजी एट देअर वर्क. Somehow ये अपने लव रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाए एंड देयर पार्टनर लेफ्ट देम. आई रियली फील दैट देयर इज दिस पुष्य नक्षत्र ऑल्सो डोमिनेटिंग इन पुष्य नक्षत्र. जुपिटर बृहस्पति वॉज वेरी बिजी इन द कोर्ट ऑफ सन सूर्य एंड ही ऑलवेज यूज टू गो अर्ली टू द कोर्ट एंड केम लेट टू होम टू हिज वाइफ तारा. एंड तारा ऑलवेज यूज टू कंप्लेन दैट जुपिटर डज नॉट गिव मी टाइम. बृहस्पति मुझे टाइम ही नहीं देते. सो हेयर ऑल्सो द थिंग इज टाइम मैनेजमेंट की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है. सम हाउ जो भी ये पर्सन है वर्क ओरिएंटेड पर्सन है. जो भी ये पर्सन है इनका कम्युनिकेशन काफी कट टू द पॉइंट क्लियर रहता है बिकॉज वी हैव द स्वॉर्ड्स एनर्जी. स्वॉर्ड्स द एनर्जी ऑफ एयर. जैसे कहते भी हैं हवा में बातें करना. तो हमारी जो आवाज़ है हमारी जो साउंड है ट्रैवल्स इन एयर इन वेव्स. कहीं ना कहीं जो इनका कम्युनिकेशन है वो काफ़ी कट थ्रोट हो सकता है जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है. एंड ऑफकोर्स अगर किसी का बहुत ही कट थ्रोट एक कम्युनिकेशन है ऑफकोर्स दूसरे को तो बुरा फिर लगेगा ही. एंड टू ऑफ पेंटिकल्स हेयर इज शोइंग दैट दिस पर्सन रियली नीड्स टू वर्क ऑन देयर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. कहीं ना कहीं कई बार इनको बहुत ही लेट हो जाता है वर्क से घर आने में एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग राइट. इट ऑल्सो आई मीन हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स विल ऑल्सो से दिस थिंग दैट देयर चाइल्ड रियली वर्क्स हार्ड रियली वर्क्स फॉर लॉन्ग लॉन्ग आवर्स रियली डू नॉट गिव अस टाइम. ये उनकी शिकायतें होगी इस पर्सन से. Let me just pull some more cards here for your relationship, for your partner, जिससे भी आप मिलते हो in October, November, December. All right, we have the lovers card. Okay, it's like a soulmate card. It's like the card which says that you will have a very deep connection with this person. And we have the Nine of Cups, which is what? A very romantic energy. यानी कि ये जो सिचुएशन है जहाँ पर ये किसी को टाइम नहीं देते जहाँ पर ब्रेकअप की सिचुएशन है बिकॉज ऑफ देयर हार्श कम्युनिकेशन समहाउ ही और शी रियली वर्कड ऑन देमसेल्व्स. दे रियली वर्कड ऑन देयर कम्युनिकेटिव स्किल्स. दे रियली वर्कड ऑन देयर कम्युनिकेशन बेसिकली. यहाँ पर जो भी ये पर्सन है अब इनको ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि लाइफ इज जस्ट नॉट अबाउट वर्क. मे बी इट्स मोर. Life has more purpose. It's just not about earning money, having good reputation at work, working hard, being principled, being on time. No, life is more. Life is also about having a good relationship with the parents, having a good relationship with the spouse, having a good relationship with the children. प्यार मोहब्बत भी एक चीज़ है. प्यार मोहब्बत भी एक इमोशन है जो कि हमें चाहिए अपने आप को बैलेंस फील कराने के लिए. और ये पर्सन ये बात अब समझ चुके हैं. Early on, yes, he was a person jo, you know, he was all or she was all about work, all about the practical aspect of life. But when you meet this person, you can see that this person is highly emotional or I would say highly romantic energy. Highly romantic energy. And the lover's card here definitely shows passion. It shows that passion. It shows that understanding. It shows that unconditional love. It shows that no matter what, I'm going to be there for you. And I know you are also there for me. It's also about ki
इट्स अ वर्ल्ड जहां पर तुम और मैं है और कोई भी नहीं, एंड इट साउंड सो ड्रीमी, स्पेशली जो नाइट ऑफ कप्स है, इट्स अ वेरी ड्रीमी कार्ड कि बर्थडे पे जो है फ्लावर्स केक लेकर आना, एनिवर्सरी पर जो है ऐसी चीजें करना, फ्लावर्स लेकर आना, जो रोम कॉम में होता है वो चीजें करना, ये यहाँ पर नजर आए. एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो लव टू ट्रैवल. Love for travel can be seen. This person is also going to be, at least once in their lifetime, they are going to be obsessed with their hair as well. And jo bhi person hai, they are really looking for a partnership which is lifelong. This person really wants commitment. And if you don't provide them with that, he or she will not really stay. This person really wants a commitment. कमिटमेंट इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. दिस पर्सन डज नॉट, आई मीन दिस पर्सन हैज गॉन थ्रू द बीएस ऑफ रिलेशनशिप. नाउ ही रियली और शी रियली वॉन्ट्स ए सीरियस रिलेशनशिप. दे डोंट रियली वॉन्ट कि वो अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट करे और फिर उसके बाद आप चले जाओ. नो, दिस पर्सन वॉन्ट्स अ रिलेशनशिप जो इनके साथ लाइफ लॉन्ग रहे. दिस पर्सन इज नॉट हियर और अपना ये टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे अगर इनको ये रियलाइज हो जाता है कि आप इनके साथ कभी, मतलब कुछ टाइम के लिए फिर आप चले जाओगे. नो, देन दिस पर्सन विल बी दैट कट थ्रोट रूड पर्सन हु विल नॉट गिव यू टाइम. बट अगर आप इस पर्सन को कमिटमेंट देते हो, ये पर्सन आपके साथ रहेंगे. बट वो कमिटमेंट देना जरूरी है. और बात ऐसी, ये पर्सन जल्दी कमिटमेंट मांगेंगे. मे बी जस्ट यू बींग इन अ रिलेशनशिप फॉर टू मंथ्स और थ्री मंथ्स एंड देन दिस पर्सन सेज यू शुड कमिट टू मी. That can happen here. And of course, commitment aise hi nahi di jati. You have to first really understand the other person, then you give a commitment, right? So here he or she will need commitment early in the relationship, which you may not really like. But you always give them the hope that you are going to be there for them. And aisi koi baat nahi hai ki main, you know, chali jaungi and this and that. I will be there for you. You give them hope. Aur uski wajah se wo is relationship mein reh bhi jaye. But again, he would or she would really need that commitment early on itself in the relationship. Yahan par aapke liye aur kya message hai? इस पर्सन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, फाइल नंबर 2 के रिलेशनशिप से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन. ऑल राइट, वी हैव द चैरियट हियर एंड वी हैव 4 ऑफ वांड्स. एज आई टोल्ड यू, दिस पर्सन वुड रियली वांट दैट कमिटमेंट बिकॉज 4 ऑफ वांड्स इज द कार्ड ऑफ मैरिज. इज द कार्ड ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सेलिब्रेशन मंडप. And it's the card which also shows Uttra Falguni and Purva Falguni. ऐसा हो सकता है आपका Venus या Jupiter, या उनका, आपके इस person का Venus या Jupiter is in Uttra Falguni और Purva Falguni, because Uttra Falguni, Purva Falguni is all about marriage contract. It's all about dealing with contracts. And somehow, especially Venus can be in Uttra Falguni, or his Venus or her Venus can be in Uttra Falguni, because the lover's card shows when you have a past life connection, and Venus in Uttra Falguni shows that you have already promised to someone in your past life that you are going to marry them in the next life. So now this person really wants that commitment from you. As soon as you meet him, he will try to say that, okay, let's get married, or just give me the commitment. Because he really wants to stay with you. He or she really wants to be there for you. And he really wants you to be there for them. And we have the Chariot card, which is showing that he is in control of this relationship as well. Somehow, if you think that you are in control of this relationship, no, you are wrong here. This person actually is in control of this relationship. This person is deciding how the relationship is going to work and how things are going to be. This person really plans about these things, and this person will have the last say in the relationship. Or somehow ye front seat lena chahte hai, back seat nahi lena chahte relationship mein. This person is a person jo itna compromise bhi nahi karte hai. अड़ जाते, थोड़ा रिजिड हो जाते, ये चीज भी है. और जो इन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर भी हो जाती है. समहाउ क्वाइट डोमिनेटिंग एंड मैस्कुलिन एनर्जी आई वुड से. एंड इवन इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, योर वीनस, योर सेवंथ लॉर्ड कैन बी इन द नक्षत्र ऑफ माघा और पुष्य. पुष्य एंड माघा बोथ आर वेरी मैस्कुलिन नक्षत्रस, बिकॉज माघा इज द किंग एंड पुष्य इज द एम्परर. और किंग की बात तो सुननी ही पड़ेगी. किंग को तो आप ये नहीं कह सकते ना कि ऐसा करना चाहिए. अगर आपने
उसको किंग को कहा कि यू शुड डू दिस यू शुड डू दैट. इफ यू ऑर्डर्ड द किंग विल चॉप योर हेड ऑफ. राइट. सो हेयर द थिंग इज दैट ही इज गोइंग टू बी इन कंट्रोल ऑफ दिस रिलेशनशिप. But does that mean that he is going to be control of your life? No, it's not like that. But he would like to take control in the relationship. That how things are going to work in the relationship. He will try to take control. That can be seen here. And let me just pull one more, or I should say two, three cards more from some other deck. And then we'll see how will be the relationship with your family. But first, kuch aur information aapke person ke baare mein. All right, we have the mature woman here, and we also have the gift card. We also have the imprisonment. So the thing is, this person, when he or she gets in a relationship with you or gets in contact with you, this person would want you to be in their life forever, because somehow, first of all, this person is going to be quite mature. They are going to be quite mature. This person can be like जो आपका धारक आर्केट कैन बी सैटर्न एज वेल. सैटर्न रिप्रेजेंट्स ओल्ड मेच्योर वाइज. जो भी पर्सन है ओल्ड मेच्योर और वाइज होंगे, मैरिजेबल एज के हो सकते हैं, इसके हाई चांसेस. दैट्स व्हाई दिस पर्सन रियली वांट्स दैट कमिटमेंट एंड वांट्स टू सेटल डाउन अर्ली. और आई शुड से इनकी लाइफ में शायद ये लेट मैरिज हो, आपकी लाइफ में शायद ये अर्ली मैरिज हो. दैट कैन हैपन. मतलब 25 से कम की एज में आपकी मैरिज और ये पर्सन 28, 29 ईयर्स या 30 ईयर्स के हो सकते हैं. देयर इज गोइंग टू बी दैट एज गैप. And some of you, of course, can be in a place in their life where they really want to get married. Or ye person wo aapko commitment provide kare, so it's a win-win situation for you guys. Yahan par gift card bhi hai. This person also gifts you a lot. I mean, this person will try to woo you from expensive gifts as well. और जब हमें बहुत सारे expensive gifts किसी से मिलते हैं, somehow we feel कि अब ये person हमसे कुछ expect करते हैं. कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन ने हमें कुछ दिया तो हमारा भी फिर फर्ज बनता है कि हम भी इसको इस पर्सन को कुछ दें. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके मन में आती है एंड समहाउ यू कैन फील अ लिटिल प्रेशराइज्ड बाय दिस पर्सन फॉर कमिटमेंट. दैट कैन हैपन, बट दिस इज आई एम गेटिंग. एंड वी ऑल्सो हैव द इम्प्रिजनमेंट का कार्ड, विच डेफिनेटली शोज दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स यू देयर इन देयर लाइफ, इवन इफ इट मीन्स के they somehow see. When you are young, you want to experience different cultures, you want to experience different people, you want to get into a relationship, want to experience relationship. Whereas this person has gone through all these things, now he wants to get settled. Whereas I feel that you are the young energy here, and you can feel a little imprisoned by being in this relationship, because kahin na kahin jo when you are committed to a person or आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन, किसी दूसरे पर्सन से अट्रैक्ट हो जाते हो, तो समहाउ यू स्टार्ट टू फील कि अरे मैं अपने पर्सन पर चीट तो नहीं कर रहा या कर रही. सो समहाउ वो फीलिंग्स आने लग जाती है. सो दैट कैन बी सीन हियर. लेट मी जस्ट पुल सम कार्ड्स फॉर यू अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स. कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके पेरेंट्स के साथ इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके लव वंस के साथ, नॉट रोमांटिक बट आपके लव वंस के साथ, वो रिलेशनशिप कैसा रहता है. We have the Ace of Pentacles and we have the Tower card here. Alright, so Ace of Pentacles is the energy of stability and we have the Tower card which represents sudden change. Sudden change aa jana. Somehow cheezein badi achhi chal rahi thi parents ke saath, suddenly went downhill. So make sure कि जो आपका रिलेशनशिप है आपके पेरेंट्स आपके सिबलिंग के साथ अच्छा ही रहे. मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है. और यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखना है. बट समहाउ द टावर कार्ड डेफिनेटली शोज कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग जो है हो ही जाती है, और जिसकी वजह से थोड़े जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें थोड़ा एक बिटरनेस आ जाती है. तो यहाँ पर जो है Ace of Pentacles shows कि यहाँ पर स्टेबिलिटी की जरूरत है. स्टेबिलिटी मिलेगी भी, बट अचानक से कोई चीजें हो जाती है जो एकदम से आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसके अंदर चेंज ले आता है. एंड दैट कैन बी योर ओन इमोशंस. समहाउ
इट्स जस्ट नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट कैन बी अस एज वेल. हमसे भी कोई गलती हो सकती है, कोई चीज हमसे भी हो सकती है. इसके लिए थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं. जो टावर कार्ड है, ये क्या चेंज दिखा रहा है फैमिली लव रिलेशनशिप में पाइल नंबर टू के लिए. ऑल राइट, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, इट इज रिलेटेड टू योर करियर, इट इज रिलेटेड टू योर वर्क. वॉट आर यू पैशनेट अबाउट? मे बी जिस चीज के लिए आप पैशनेट हो, उस चीज को लेकर जो है आपके पेरेंट्स आपको इतना ज्यादा सपोर्ट मे बी शायद नहीं कर रहे. समहाउ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग बट योर पेरेंट्स सेज नो टू दैट थिंग एंड देन यू आर लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड मी, यू आर ऑलवेज बिहेविंग लाइक दिस विद मी, यू आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव विद माई सिबलिंग्स बट इट्स ओनली मी जिसके साथ आप ऐसा बिहेव करते हो. समहाउ कम्युनिकेशन रूड हो जाता है. यू वॉन्ट टू फॉलो योर पैशन बट बिकॉज यू वॉन्ट टू फॉलो योर पैशन, योर पेरेंट्स मे नॉट रियली लाइक कि जो जिस चीज के लिए आप पैशनेट हो उसको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. इस वजह से यहाँ पर टावर कार्ड नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं थोड़े यहाँ पर मुश्किलें आ रही है पेरेंट्स के साथ. कम्युनिकेशन जो है थोड़ा यहाँ पर रूड होता हुआ नजर आ रहा है. थोड़ा यहाँ पर जो है पेशेंस के साथ चलने की जरूरत है. पेंटिकल्स रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, इट्स द अर्थ एनर्जी. थोड़ा अपने इमोशंस को जो है बैलेंस आउट करके जो है थोड़ा लेस एंथुजियास्टिक वे में जो है, थोड़ा लेस एग्रेसिव वे में जो है कहने की जरूरत है. थोड़ा पोलाइट होने की जरूरत है यहाँ पर. तो ये जो टावर कार्ड है, फिर आप उसको जो है टावर कार्ड को एक तरह से थोड़ा ऑल्टर कर पाओगे. बट देयर विल बी सम कम्युनिकेशन और यू कैन से सम कन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स अबाउट योर पैशन एंड दे मे नॉट रियली लाइक इट. सो मेक श्योर कि आप उस चीज को थोड़ा अच्छे से प्रोजेक्ट कर रहे हो, थोड़ा टैक्टफुली डील कर रहे हो. दैट्स द गाइडेंस हियर. ऑलराइट पाइल नंबर टू, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो पाइल नंबर थ्री, सो दिस इज योर रीडिंग. यू चोज प्रेशियस टाइम का कार्ड एंड इट इज सेइंग द फेरी ऑफ टाइम वॉन्ट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others time either. So yahan par waqt, time becomes really important. Waqt jo time hai, it is what? Saturn. डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चलने का आपके लिए समय है, आपके लिए वक्त है. टाइम की कदर करना सीखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. और रेस्ट लेना टाइम वेस्ट नहीं है. रेस्ट लेना एक तरह से अपने आप को रिजुविनेट करना है. इस चीज को भी क्लियर करो अपने माइंड में. सो आपके लिए जो है क्या मैसेज आ रहा है टैरो की तरफ से फॉर योर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ व्हेन इट कम्स टू लव रिलेशनशिप. आप अगर किसी पर्सन से मिलते हो तो वो पर्सन कैसी नेचर के हैं, कैसे पर्सन है वो. सो पाइल नंबर थ्री के पर्सन की नेचर, अगर वो किसी पर्सन से मिलते तो वो कैसे पर्सन होने वाले हैं. सो वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ट्स एंड वी ऑल्सो हैव पेज ऑफ Pentacles. So we have three of wands which is saying planning for the long term, abundance from past choices, pride in the success of your labors. Be patient as you decide what's next. सो जो भी पर्सन है अपने काम को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट होंगे, काफी ज्यादा ड्रिवन होंगे, काफी ज्यादा फोकस्ड होंगे. आई रियली फील विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स दैट दिस पर्सन हैज सम स्पेशलाइजेशन, कैन हैव एमबीए डिग्री, कैन बी हाईली क्वालिफाइड, कैन बी अ पर्सन जिनके पास मास्टर्स की डिग्री हो. और काफी ज्यादा पढ़े लिखे पर्सन यहाँ पर नजर आ रहे हैं. स्पेशली यहाँ लिखा भी हुआ है स्कॉलरली, चेयरफुल, डिपेंडेबल, मिस्चीवियस. Time to get to work and excellent opportunity presents itself. Happy news about your career, promotion or scholarship, a new area of study. जो भी ये person है ये हमेशा ये कहेंगे कि कोई चीज learn करने के लिए जो है एज मैटर नहीं करती है. सिर्फ और सिर्फ हमारा पैशन मैटर करता है कि हम उस चीज को लेकर पैशनेट है कि नहीं है, दैट मैटर्स. और पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, एज नहीं है. जो भी ये पर्सन है यंग एट हार्ट है. जो भी ये पर्सन है ये अपने चॉइसेस को लेकर काफी ज्यादा प्राउड है कि इन्होंने अपनी लाइफ में ये चॉइसेस बनाई है और इस लाइफ पाथ पर चल रहे हैं. जो भी आज ये है ये अपनी चॉइसेस करके है. इनके लिए जो है, अगर ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कहा था तो मैंने ऐसा करा, नहीं, ये हमेशा ये कहेंगे कि मैं ये चाहता था तो मैंने ऐसा करा. मुझ पर किसी की एक्सपेक्टेशन है, मुझ पर किसी ने ये बोझ नहीं डाला था कि तुम्हें ये करना ही करना पड़ेगा. नहीं,
ये एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा कहेंगे कि मैं आज जो हूँ, मैंने अपनी चॉइस जो मैंने चूज करा है अपनी लाइफ में उसकी वजह से, मैंने जो चॉइसेस बनाई है अपनी लाइफ में उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये सक्सेसफुल पर्सन हूँ। ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स का इनपुट है, उन्होंने मुझको पाल पोस कर बड़ा करा है, उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन प्रोवाइड करी है, पर उन्होंने कभी मुझ पर अपनी चीजें नहीं थोपी है, उन्होंने कभी भी मुझ पर जो है ये रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली कि तुम्हें ये करना ही करना पड़ेगा। नो, स्पेशली रिवर्स साइकोलॉजी रियली वर्क। अगर हम किसी को ये कहें कि तुम्हें ये काम बिल्कुल नहीं करना है, तो वो पर्सन वो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि दैट रिवर्स साइकोलॉजी। अगर हम किसी को कहें कि तुमने ये काम करना ही करना है, तो वो पर्सन कहेगा मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। सेम गोज विद हिम, ही विल बिलीव इन दिस रिवर्स साइकोलॉजी फॉर श्योर, ही विल। एंड समहाउ आई फील दैट यू आर ऑल्सो बिलीवर ऑफ दैट। और यहाँ पर जो है, जो भी ये पर्सन है, काफ़ी एक लाइट माइंड और लाइट और सरल स्वभाव है इनका। इनके हैवीनेस आपको महसूस नहीं होगी इस पर्सन से बात करके, हमेशा आपको लाइट महसूस होगा इस पर्सन से बात करके। जो भी ये पर्सन है, काफ़ी चीयरफुल पर्सन ये होने वाले हैं, उदास रहने वाले पर्सन ये, उदासी इनका संस्कार नहीं, इनका संस्कार खुश रहने वाला संस्कार है। लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू फॉर दिस पर्सन। जो ये पर्सन है, इस पर्सन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। All right, we have two of cups. All right, and we have king of cups and we have six of swords. तीन कार्ड निकला है यहाँ पर। तो यहाँ जो भी पर्सन है, काफी ज्यादा किंग ऑफ कप से डेफिनेटली काफी ज्यादा मेच्योर पर्सन है। इमोशनली ये पर्सन बहुत मेच्योर होने वाले हैं। दिस पर्सन नोज दैट लव इज कॉम्प्लिकेटेड। दिस पर्सन नो कि मुझे कितना किसी के करीब जाना चाहिए। ये पर्सन हमेशा सभी को राइट एडवाइस देंगे। और ये काफी यूथफुल इनकी मतलब फीचर होगा, काफी यूथफुल लुकिंग ये पर्सन होंगे। स्पेशली आई फील दैट दिस पर्सन और योर वीनस, योर धाराकार का प्लैनेट, सेवेंथ लॉर्ड, कैन बी इन द नक्षत्र ऑफ श्रावण। श्रावण इज द नक्षत्र ऑफ वामन अवतार ऑफ विष्णु, विच डेफिनेटली शोज दैट द स्पाउस, योर स्पाउस विल बी अ पर्सन हु विल हैव द इंटेलिजेंस ऑफ अ वाइज, और आई शुड से ऑफ एन ओल्ड इंडिविजुअल, बट द फिजिकल अपीयरेंस विल बी वेरी यंग। मतलब एक यंग फीचर्स होंगे और यंग बॉडी है, बट माइंड एक 40-50 ईयर ओल्ड वाला है। और कहीं ना कहीं जो भी ये पर्सन है, ये अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखते, ये दूसरों के लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखने लगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि हम इतने ठोकरे खाएंगे और फिर सीखेंगे, लाइफ तो चली गई ना। पर ये दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, ऐसे पर्सन ये है, समझदार पर्सन ये है। इनको पता है कि कौन सा डिसीजन राइट और कौन सा रॉन्ग है। राइट रॉन्ग की इनको बहुत ज्यादा चॉइस है। इनकी मॉरल वैल्यूज काफी हाई होंगी। आई रियली फील दैट दिस इज अ जुपिटेरियन पर्सन। हिज आत्मा कारका कैन बी जुपिटर, दैट्स व्हाई देयर इज दैट विजडम। ही ऑल्सो नोज कि हाउ टू डील विद अदर पीपल पॉलिटिकली, ये भी चीज इनमें है। मतलब अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो ही नो और शी नोज हाउ टू गेट रिजल्ट्स एज वेल। पर जो भी ये पर्सन है, सभी को एडवाइस जरूर देंगे, बट उनके सिचुएशन के अंदर नहीं पड़ेंगे। एडवाइस देंगे, एक स्टेप पीछे रहेंगे उस सिचुएशन में जाने से, एक स्टेप पीछे, क्योंकि अगर वो सिचुएशन में पड़ गए तो इनको भी चोट लग सकती है। तो ही नोज और शी नोज कि कहाँ पर मुझे जो है रुक जाना चाहिए और एडवाइस उधर से जो है देनी चाहिए। ज्यादा पास किसी पर्सन के नहीं जाना चाहिए, ज्यादा पास किसी पर्सन की सिचुएशन में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि खुद को भी जो है हार्म हो सकता है। टू ऑफ कप्स हेयर इज शोइंग दैट यूनियनशिप। जो भी ये पर्सन है, आपसे कमिटमेंट जरूर मांगेंगे। दिस पर्सन रियली इज अ पर्सन कि लाइफ में एक दो रिलेशनशिप या एक रिलेशनशिप ये चाहते हैं जो लाइफ लॉन्ग ही चले। मतलब दिस पर्सन इज नॉट अ पर्सन हु रियली गेट्स इन टू रिलेशनशिप क्वाइट अ लॉट। आई मीन जैसे कुछ लोगों के 5, 6, 7, 8 रिलेशनशिप्स होते हैं। आई एम नॉट जजिंग हियर, आई एम जस्ट सेइंग कि इस पर्सन की क्या मेंटेलिटी है, या ये पर्सन जो है क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। सिर्फ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, विच ही रियली वॉन्ट्स दैट रिलेशनशिप टू लास्ट लॉन्ग। एंड दिस पर्सन रियली डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन समवन्स एल्स लाइफ वेयर ही नोज कि ये पर्सन परमानेंट नहीं है। मतलब ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो हाईली इंटेलिजेंट है अपने इमोशंस को लेकर। ये जल्दी से इन्वेस्ट नहीं करते किसी की, मतलब जल्दी से अपने इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करते किसी और की लाइफ में।
अपनी एनर्जी जो है किसी और पर ज्यादा वेस्ट या ज्यादा लगाते नहीं है, सिर्फ उन पे अपनी एनर्जी लगाते हैं जब इनको पता है कि ये पर्सन जो है मेरी बात सुनेंगे, मेरी एडवाइस को रिस्पेक्ट करेंगे, मेरे साथ हमेशा रहेंगे। और जब ये किसी पर्सन का हाथ थाम लेते हैं, किसी पर्सन के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं, तो फिर ये पर्सन उसके साथ स्टिक करते हैं, बीच में कभी ये नहीं छोड़ के जाते। दिस पर्सन इज अ वेरी वेरी कमिटेड पर्सन। और अगर आपको ये लगता है वी हैव सो मच डाइवोर्स रेट इन आवर वर्ल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा आज की डेट में तो डाइवोर्स रेट बढ़ गया है, बट इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, इफ़ यू गेट इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, देन डाइवोर्स तो नहीं हो सकता यहाँ पर। क्योंकि जो भी रिलेशनशिप है कमिट जरूर करेंगे जिस भी रिलेशनशिप में, उसको ऐसे बीच रस्ते में नहीं है छोड़ के जाने वाले। ये पर्सन जो है एक ऐसे पर्सन है, अगर कमिटमेंट कर ली तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए उस कमिटमेंट को निभाते जरूर है, बीच में कभी कोई चीज नहीं छोड़ के जाते, कोई पर्सन नहीं छोड़ के जाते। आप ये चीज इनकी करियर में भी देखोगे कि बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे जहां पर ये पर्सन ने किसी काम को बीच में ही छोड़ दे। ये पर्सन हर काम को कंप्लीट करना चाहते हैं और अपना टाइम एफर्ट देते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज डेफिनेटली सेइंग एंड इज शोइंग दैट जो भी आपके पर्सन है काफी विक्टोरियस पर्सन है, काफी एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपने लाइफ में काफी सारी विक्ट्रीज देख ली, काफी सारी अचीवमेंट्स कर लिए, और ये जो भी पर्सन है काफी ज्यादा इनको फेम भी मिला है। ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन फेम इज डिफरेंट, बट जो भी इस पर्सन का फेम है काफी लोग इनको जानते हैं इनके वर्क प्लेस में, काफी लोग इनको पहचानते हैं इनके डिपार्टमेंट में, और कहीं ना कहीं इनको काफी ज्यादा फेम मिला है और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक अचीव्ड पर्सन ये है। तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पर्सन, कुछ और इन्फॉर्मेशन। पाइल नंबर 3 जो है उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, पाइल नंबर 3 के रिलेशनशिप के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। और राइट, वी हैव द 4 ऑफ वंड्स विच इज अबाउट द मंडप एंड वी हैव द डेविल कार्ड। और राइट, देर इज अ वार्निंग एंड देर इज अ गुड न्यूज एज वेल। तो जो गुड न्यूज है, सबसे पहले इट इज अबाउट मैरिज, इट्स अबाउट कमिटमेंट, इट्स अबाउट द मंडप, इट्स अबाउट दैट सेलिब्रेशन। एंड बेसिकली 4 ऑफ वॉन्ड्स इज द मंडप इटसेल्फ, आई मीन इट्स द रिलीजियस सेरेमनी, जो 7 फेरे हम लेते हैं, 7 फेरा लेते हैं हम आग अग्नि के सामने। एंड इफ योर रिलीजन इज समथिंग डिफरेंट, तो जिस वे से आप मैरिज करते हो अपने रिलीजन में उस वे को ये 4 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड एज आई टोल्ड यू, इफ दिस पर्सन कमिट्स देन दिस पर्सन विल स्टे विद यू नो मैटर वॉट, लाइफ टाइम कमिटमेंट। एंड मैरिज इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट, यू कैन नॉट जस्ट लीव। ऑफकोर्स देर आर डाइवोर्सेज, बट दिस पर्सन विल नेवर ऑप्ट फॉर डाइवोर्स, दिस पर्सन विल ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप। दिस पर्सन इज अ पर्सन हु विल ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग्स अप विद यू नो मैटर वॉट। And we also have the devil card, which definitely shows that this person is a person. You can say that this person is a workaholic. There is that, you can say, attachment with the work, which is not good. This person really wants to climb that social ladder. ये चीज़ है. तभी ये person जो है अपनी life में काफी सारी achievement कर चुके हैं, क्योंकि this person was married to their work. This person was married, I mean this card shows marriage, so this person was kind of married to their work, that can be seen. There is that, he really wants to climb that social ladder, climb that corporate ladder, that's why he do his efforts. Karma, karam pradhan duniya, to karma to karna padega, right? So ye person apne effort zarur karte hain aur victorious bhi rehte hain. और जो भी ये पर्सन है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, नॉट जस्ट मतलब योर यू कैन से मटीरियलिस्टिकली बट स्पिरिचुअली ऑल्सो, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मूव अहेड इन लाइफ। दिस पर्सन में कैन बी अ पर्सन हू लाइक्स टू वियर नेम ब्रांड क्लोथ्स, दैट डज नॉट मीन दैट दिस पर्सन इज नॉट स्पिरिचुअल। दिस पर्सन विल बिकम स्पिरिचुअल लेटर इन देयर लाइफ, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 35, दिस पर्सन विल स्टार्ट टू बिकम स्पिरिचुअल, विल बी अ पर्सन हु विल मेडिटेट ऑल्सो, बट डेफिनेटली दिस पर्सन ऑल्सो सम हाउ शो हिमसेल्फ और कैरी हिमसेल्फ विद दिस यू कैन से एक नेम ब्रांड क्लोथ्स जो है या नेम ब्रांड वॉचेस जो है, अपने आप को मटीरियलिस्टिकली एक्सप्रेस जरूर करते हैं ये पर्सन। एंड स्पिरिचुअलिटी डज नॉट रियली से दैट यू हैव टू स्टॉप बीइंग अ पर्सन जो नेम ब्रांड क्लोथ्स पहनता है, नो।
श्री अरविंदो कंप्लीटली शैटर्ड दिस थिंग कि सिर्फ और सिर्फ जो स्पिरिचुअलिटी है इट इज इन द सिंप्लिसिटी. नो, स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो लाइज in being modern and wearing name brand clothes. I mean, Osho Rajneesh, he's a spiritual guide. I mean, he was a spiritual guide. He used to drive in Rolls Royce. He used to wear this Rolex. I mean, he was the guru of rich. And spirituality does not really come if you wear simple clothes. I mean, it's a choice to wear simple clothes, and it's also a choice to wear name brand clothes. And this person wants to express himself or herself materialistically. So what? So what? And यहाँ पर जो है इस पर्सन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन. ऑल राइट, वी हैव फैमिली रूम एंड वी हैव द कॉफिन कार्ड एंड वी हैव द मैच्योर मैन. एज आई टोल्ड यू, दिस पर्सन इज वेरी मैच्योर. दिस पर्सन इज वेरी वेरी मैच्योर. दिस पर्सन कैन बी यूथफुल इन लुक्स बट विल बी मैच्योर फ्रॉम द मेंटालिटी दैट कैन बी सीन हियर. Quite mature with his mentality, has the brain, has the mind of a 40-year-old or 50-year-old. We also have the coffin, which definitely shows an ending. It shows that this person also can be very much interested into birth and death. Your Dharakaharka spouse significator, 7th Lord Jupiter. Jupiter represents husband in a female chart, or Venus. Venus represents wife in a male chart. Can be in the Nakshatra of Bharani, and this person you get in a relationship with can be a person who is, very much interested into death and rebirth. These kind of scenarios. Wants to know what happens after death. Then we have the family room, which definitely shows that this person also values family, also is a person who wants to have his own family, wants to have her own family. Even if this person may seem like a person who is all about work and bachelorhood, maybe just after marriage as well wants no kids, but later of course he will realize that I want kids, we will have kids. And of course, this person values family. This person really values to have his own family. He wants his own family, even if right now he may not. But later on, he will say that I want my own family. I want to leave a legacy that's there. So this is the information coming for your person. And when it comes to your family love relationship, how will be the relationship with your family in the month of your October, November, December? आपकी फैमिली का आपके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021? ऑल राइट, वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. तो यहां पर जो है कुछ ना कुछ सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं. समहाउ यू आर वेरी बिजी इन योर वर्क, वेरी बिजी in your education, in your work, that you are just not able to give time to your family. And because of that, कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील हो कि मेरी फैमिली मुझसे सीक्रेट्स रख रही है, मेरी फैमिली मुझे कई चीजें बता नहीं रही है. बट द रीजन इज यू आर जस्ट सो बिजी इन योर वर्क कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे. यहाँ टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, पाइल नंबर 3, क्योंकि आपको थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो सकता है. इन लोगों की तरह आपको थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है. फैमिली इज फैमिली, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट. बट एटलीस्ट यू हैव टू मेक एन एफर्ट ना. You have to make an effort to be with them, to give time to them, because यहाँ पर आप बहुत ही busy लग रहे हो अपने work में. अच्छी बात है काम करना, but time management की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नज़र आ रही है आपके लिए. Pile number 3, family को time देना ज़रूरी है. Family आपको complain कर सकती है that you never give us time, you never ready are there for us, and you know ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है. Give them the time of your day. That's really important. All right, pile number 3. So this was the reading for you. And I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive. Stay happy.